चलिए गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर फिफ्थ में कुछ क्वेश्चन हम कल करा चुके थे इस टॉपिक के ऊपर। इंटरमीडिएट फॉर्म थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। आवाज आ रही है ना, बस आपको ये बात देख लो। फोर्थ का फर्स्ट, थर्ड तक हमने कल करा दिए थे, कोई डाउट ना आने पे। फोर्थ का फर्स्ट है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अगर मैं डायरेक्ट मेथड पुट कराऊंगा, कल आपने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लगे थे, अब थोड़े से आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में। आप देखो जरा, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू जीरो है 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 3 साइन की 3 टैन स्क्वायर एक्स है। तो भाई जैसे ही मैं एक्स को 0 पुट कराऊंगा, ये 0 बाय 0 नॉन डिफाइंड फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म है। आप करा के देख लो एक्स को 0 जब आपने कराना है तो। चलिए अब मैंने क्या लगाया फिर फॉर्म में, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं बन रही, रैशनलाइज ये नहीं हो रहा, असम्पशन इसमें नहीं लग रही, ना फैक्टर बन रहे, ना रैशनलाइज हो रहा, ना असम्पशन लग रही, ना पावर रूल लग रहा, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। 5 पढ़ चुके हो, फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन सब्स्टिट्यूशन पावर रूल, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एक्स माइनस एन, एन माइनस वन नहीं लग रहा तो फॉर्मूले लगाएंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए, ए इसमें ए काम करेगा, ए का पता चल गया होगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, और मुझे बताइए टेन स्क्वायर थीटा को मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये लिख दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो मेरा 0 बाय 0 फॉर्म था, मैं क्या करूँ, फैक्टर बनाऊँ बन नहीं रहे थे, मैं रैशनलाइज करना चाहता था, मेरा हो नहीं रहा था, तो मैं क्या करता फिर मैंने। अब आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले बनाए, पावर रूल इसके अंदर नहीं लग रहा था, तो 3 tan square x जो होता है वो sin square x by cos square x होता है, ये चीज आपकी चल पड़ेगी, cos ये ऊपर चला जाएगा, तो ये लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 है, 2 है sin square x है, cos आपको सबको पता ही है ऊपर चला जाता है, cos square x है, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3 sin square x आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है साइन से साइन कट जाएगा और इट विल बी द रिजल्ट, तो बाय 3 आ गया, तो क्या आ गया 2 cos square 0 बाय 3 cos 0 इज 1 एज यूजुअल 2 बाय 3 आंसर। परफेक्ट है, तब तो कुछ हैवी रह ही नहीं गए, पहली बार थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो हैवी थे, अब तो ये आसान हो गया हमारे लिए। चलिए पहले का मतलब कल का दिन के जो पिछला लेक्चर था उसमें थोड़े हैवी लगते थे, अब तो हमें कंफर्टेबल लगेंगे, हमने फॉर्मूले पढ़ लिए याद कर लिए। cot 2x है माइनस cosecant 2x है बाय x है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी वही काम कर सकते हैं, क्यों भला ये भी 0 बाय 0 फॉर्म होने पे ना इसका फैक्टर साथ दे रहा है, ना इसकी रैशनलाइजेशन साथ दे रही है, ना सब्शन है, ना पावर रूल है, ना होने पे फिर हम फॉर्मूलों के ऊपर ही जाते हैं। हमें पता ही है cot को हम क्या लिख सकते हैं, बताने की वैसे जरूरत पड़ी जब tan को मैंने फिर भी बता दिया था, इसको तो मैं सीधा चेंज ही कर देता हूँ। cot होता है cos अपॉन sin 2x माइनस, ये माइनस मैंने ले लिया है, अब आपके पास cosecant होता है 1 बाय sin 2x, जिसको चेंज कर रहा हूँ उसके लिए कोशिश है मार्कर चेंज कर दो, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लघुत्तम समावर्तक ले लो LCM, जैसे ही मैं LCM लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x को 0, तो LCM लेने पे क्या आ जाएगा आपके पास x sin 2x cos 2x minus 1, minus common लो क्योंकि फॉर्मूला जो था वो 1 minus cos का होता है, तो नेगेटिव sin कॉमन ले लो, लिमिट x को 0, यहां से क्या कॉमन ले लो नेगेटिव sin कॉमन ले लो, नेगेटिव sin कॉमन ले लो कॉमन, तो जैसे ही माइनस बाहर लूंगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन x sin ऑफ 2x, बस अब फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर a बाय 2, a को हाईलाइट कर दिया, sin a का फॉर्मूला 2 sin a बाय 2 cos a बाय 2, ये भी हाईलाइट हो गया, तो अब ये क्या हो गया लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 minus cos 2x is what 2 sin square half हो जाएगा 2x by 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं, नीचे क्या आ जाएगा x sin 2x का क्या होता है 2 sin half half 2x by 2 cos 2x by 2, इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए, मार्कर चेंज करने से समझ आ जाए तो चल जाएगी गाड़ी। यह आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा आपके पास लिमिट ऑफ, अब क्या बन गया x अप्रोचेस टू 0 है
लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 है माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 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 2 into x into sin x cos x 2 से sin असाइन कर दो 2 से 2 भी कट जाए तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस sin x बाय x cos x sin अपॉन cos sin दुनिया को पता ही चल जाता है जो 10th कर लेती है लिमिट x टू 0 माइनस tan x बाय x What is the meaning of tan x by x is 1 answer. कैसे करें? Fifth का first है. Fifth का first part. Limit of x approaches to 0. Pi by 2. इसमें 0 नहीं है. इसमें pi by 2 है. cos स्क्वायर x 1 माइनस sin x तो कहता है cos स्क्वायर x x को पाई बाय 2 पुट करा के देख लो 0 बाय 0 फॉर्म में 0 बाय 0 फॉर्म बनने पे फैक्टर रैशनलाइजेशन सब्स्टिट्यूशन 0 बाय 0 फॉर्म तो फैक्टर बनते हैं फैक्टर बनाओ रैशनलाइज होता है रैशनलाइज सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन पावर रूल पावर रूल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले ये सब कुछ पढ़ा अभी तो पांच चीजें पढ़ी आपने अभी तक आप ध्यान सोचो पांच चीजें पढ़ी बस ये याद रखने ऐसे ऐसे बस फैक्टर रैशनलाइजेशन सब्स्टिट्यूशन फैक्टर रैशनलाइजेशन सब्स्टिट्यूशन फैक्टर रैशनलाइजेशन सब्स्टिट्यूशन कितनी चीजें होगी तीन पावर रूल चार ट्रिग्नोमेट्रिक वाला sin x वगैरह x पांचवा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लगाते हैं तो पांच पढ़े तो देखते हैं जरा तो मैं यहां पे क्या करूंगा 0 बाय 0 फॉर्म बने फैक्टर बनते हैं इसके फैक्टर बना दूंगा बन रहे हैं कैसे sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है 1 तो cos थीटा कितना होगा 1 माइनस sin थीटा तो cos के x की चीज में लगा दूंगा cos के x को मैं क्या कर सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर x तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin x तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 1 का स्क्वायर sin x का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स फैक्टर बना लो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बन गए तो फैक्टर बनते हैं तो बना लेंगे फैक्टर बनाने में क्या हमारे को फैक्टर बनते हैं तो जरूर बनाएंगे नहीं बनेंगे तो रैशनलाइज कर लेंगे नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे नहीं होगा तो पावर रूल लगा लेंगे नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले नहीं कहेंगे तो अभी तक तो हमने यही बनी कौन से फैक्टर बनेंगे सोच लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स तो नीचे वाले को तो कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है 1 माइनस साइन एक्स ये कट जाए तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन एक्स वैल्यू पुट करा दो 1 प्लस साइन पाई बाय 2 साइन 90 कितना होता है 1 तो 2 आंसर आ जाएगा आगे टू आंसर आ जाएगा 2 आ अगला है अब आपके पास हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन गया फैक्टराइज बन गए थे तो हमने फैक्टर लगा दिए देख लो हमने नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लगाए फॉर्मूले नहीं लगे फैक्टर बन गए तो हम फैक्टर बनाने में चलते हैं 6 का फर्स्ट है 6 के फर्स्ट में जो चल रहा है वो क्या दे रहा है इवैल्यूएट द लिमिट लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x जब मैं इसमें x को पाई बाय 2 पुट कराने पे आया तो मेरा cos पाई बाय 2 0 हो गया कराना चाहते हो बिल्कुल कराओ कोई दो राय नहीं है कराने से ही आपको चीजों की समझ बनेगी cos पाई बाय 2 0 बाय 0 फॉर्म में तो भैया इसके लिए सोचो फैक्टराइजेशन नहीं बनते रैशनलाइजेशन नहीं होता सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्योंकि यहां पे 0 नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा क्यों नहीं लगेगा 0 है नहीं फैक्टर बन नहीं रहे रैशनलाइज हो नहीं रहा सब्स्टिट्यूशन हम रोक दिया पावर रूल लगता है पावर रूल भी नहीं लगा ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लग रहे हैं कोई फॉर्मूले जितने लिखवाने से कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा अकेला cos x है तो क्या लगा दूं सब्स्टिट्यूशन यहां वैसे भी हमने सीखा हुआ है ऑलवेज 0 होना चाहिए यहां भी 0 नहीं था बट फैक्टर बन गए तो मैंने बना लिया फैक्टर यहां भी सब्स्टिट्यूशन लग सकती है यस सेकंड मेथड यस सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो मेथड 2 है अप्लाई कर सकते हो आप लोग क्या बोला सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल लगा सकते हो अब यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा ऑलवेज 0 होना चाहिए इफ नॉट याद करो देन अप्लाई
देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, लगा दो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है पुट कराना है, x को कितना बना पाई बाय 2 प्लस h या माइनस h, याद कराओ आप लोग, पुट करा दो x को पाई बाय 2 जितना यहां होता है प्लस h और माइनस h, वो आपको पहले लेक्चर से समझ आनी चाहिए, जो पहली एक्सरसाइज आप लोगों ने करी है उसमें भी सब्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ था, जहां जहां x था वहां पाई बाय 2 प्लस h, तो क्यों ना मैं मार्कर चेंज कर लूं ताकि आपको दिख जाए कहां-कहां x था, कहां-कहां x था, कहां-कहां x था, तीन जगह x था तो तीन जगह आपका क्या हो गया पाई बाय 2 प्लस h पाई बाय 2 माइनस h, वो डिपेंड करेगा आपने क्या लेना है, माइनस लेना है माइनस भी ले सकते हो, पाई बाय 2 प्लस h ये चलता, माइनस लेना माइनस ले लो, 10th में अगर माइनस का ज्यादा प्रैक्टिस है 90 माइनस थीटा का ज्यादा पता है तो माइनस ले लेना, हमें तो कुछ नहीं है ये भी ले सकते हो बिल्कुल, यहां पे माइनस रख रहे हैं माइनस ले लो, माइनस लेना माइनस ले लो, माइनस लेना माइनस ले लो, दोनों में से हम तो कुछ भी ले लेते हैं क्योंकि प्लस 2 प्लस 1 में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा होती है, cos 90 माइनस थीटा बच्चों को पता ही होता है 10th क्लास से, sin थीटा अगर प्लस 1 का नहीं याद है तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, 10th का तो याद है, इतना तो करा हुआ है आपने फिजिक्स में भी करा हुआ है, तो हमने ये क्या कर दिया पाई बाय 2 को उधर ले गए, तो इसको तो निपटाओ बीच में से, लिमिट ऑफ माइनस एच अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया sin h, अब क्या कर दोगे पाई बाय 2 से पाई बाय 2 काट दोगे तो क्या आ गया h, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा तो लिमिट क्या आ जाएगा माइनस एच अप्रोचेस टू 0 sin h बाय क्या आ जाएगा h, माइनस को इधर ले जाओ, माइनस को इधर ले जाओ, तो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू कितना आ जाएगा माइनस 0, मैथ में क्या माइनस 0 और 0 का कोई मतलब बनता है, माइनस उधर ले जाओ sin h बाय h, ऑब्वियस ही बात है आपके पास कितना आ गया 1, ये इसका आंसर हो गया, एक बार दोबारा देखने दोबारा देखो, जब प्लस 1 की ट्रिग्नोमेट्री सभी की बहुत अच्छी हो जाएगी तो प्लस भी करा लेना, cos 90 प्लस थीटा वैसे बता देता हूं आप लोगों को, cos अगर जो प्लस करना चाहते हैं वो माइनस sin थीटा होता है, क्वांट का चक्कर होता है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वांट में होता है, सेकंड क्वांट में आफ्टर स्कूल याद करो 90 प्लस थीटा आफ्टर 90 प्लस थीटा कौन सा क्वांट हो गया सेकंड आफ्टर स्कूल, सेकंड वन में स्कूल का मतलब होता है साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है, तो ऐसे देखा करते थे तो कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट 90 से ऊपर चले गए ये 0 होता है ये क्या होता है 90, 90 से ऊपर चले जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, ऐसे करें तो मैंने क्या माइनस कर लिया कॉस 90 बेटा 10th क्लास से याद ऐसे थोड़ा इजी लगता है, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कर गया प्लस h sin h / 1 हो गया, थर्ड पार्ट 6 का लिमिट है x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x x माइनस पाई बाय 4 पुट करा दो x को कितना पुट कराओगे सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज 0 बार-बार क्या बताना है उस क्वेश्चन बता चुका हूं और कोई मेथड लगता नहीं फैक्टराइजेशन नहीं रैशनशन नहीं पावर रूल नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले नहीं तो सब्स्टिट्यूशन एक बचता है ऑलवेज 0 नहीं है तो क्या लगाओगे सब्स्टिट्यूशन पुट करा दो पाई बाय 4 प्लस h या माइनस h जो मर्जी करा लो वो आपकी अपनी चॉइस होती है पाई बाय 4 यहां से उठता है पाई बाय 4 माइनस h उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाई बाय 4 का तो 45 डिग्री होता है लिमिट ऑफ पाई बाय 4 प्लस h अप्रोचेस टू पाई बाय 4 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस h और पाई बाय 4 प्लस h अच्छा चेंज करो मार्कर ये लो मार्कर चेंज कर दो पाई बाय 4 प्लस h एक जगह दूसरी जगह पाई बाय 4 प्लस h पाई बाय 4 प्लस h तीसरी जगह ये भी चेंज हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस h माइनस क्या आएगा पाई बाय 4 इसको इधर लेके जाओ तो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस h फार्मूला होता है इसका फार्मूला लिखवा रखा है 1 प्लस tan h 1 माइनस tan h बस फार्मूला पुट करा दो आंसर हो जाएगा जितने रूल है वो मुंह पे पका लो फैक्टराइजेशन सब्स्टिट्यूशन रैशनलाइजेशन पावर रूल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बस आपका अपने आप आ जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस h पाई बाय 4 प्लस h का मतलब क्या होता है tan ऑफ 45 डिग्री प्लस h फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h भी आता है
लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस वन प्लस टेन एच वन माइनस टेन एच अपॉन कितना आ जाएगा एच ले लो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ले लो आंसर आ जाएगा दोनों का क्या ले लो एलसीएम जैसे एलसीएम लोगे तो आंसर आ जाएगा एलसीएम ले लो आंसर आ जाएगा तो लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस टेन एच माइनस वन प्लस टेन एच अपॉन कितना आ जाएगा सोचो जैसे एलसीएम लोगे ये फॉर्मूला लगाया टेन पाई बाय फोर प्लस एच का एच इनटू वन माइनस टेन एच ब्रैकेट खोल लो आंसर आ जाएगा वन माइनस टेन एच माइनस वन माइनस टेन एच अपॉन एच इंटू वन माइनस टेन एच ये वन से वन कर लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू आईस ऑफ टेन एच एच इंटू वन माइनस टेन एच चलिए टेन एच बाय एच सबको पता ही है दुनिया में टेन एच बाय एच क्या होगा वन टेन एच बाय एच क्या होता है लिमिट ऑफ एच अप्रोच जीरो टेन एच बाय एच क्या हो जाएगा वन बस ये वन आ जाएगा आपके पास और क्या करना है टेन एच बाय एच क्या आता है आपके पास वन है तो ये वन आ गया बाकी में लिमिट पुट करा देना और क्या हो जाएगा बस खत्म हो जाएगा क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ माइनस टू टेन एच बाय एच वन ये वन आ गया वन माइनस टेन एच वन को भी ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ पता चल जाएगा किसको वन लिखा है अब आप लिमिट पुट करा दो लिमिट क्या आएगी माइनस टू वन माइनस टेन जीरो कितना होता है जीरो दैट इज ऑल टेन जीरो कितना होता है जीरो आंसर आ जाएगा माइनस टू बाय वन क्या लिखना है माइनस टू आंसर इतनी तो आपको बात पता ही होती है अगला चाहे प्लस कराओ चाहे माइनस कराओ फॉर्मूले लिखवा रखे हैं फॉर्मूले से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है फिफ्थ सिक्स का फिफ्थ पार्ट ये थे इस एक्सरसाइज में और आपको लगता है पता नहीं इस एक्सरसाइज में क्या है आने आना होता है एग्जाम्पल इसके कर लीजिएगा जब भी हो कभी हो तो डाउट पूछ लीजिएगा कोई मना तो है नहीं इसमें पर चलिए अब क्या कराओ माइनस या प्लस वो आपकी अपनी चॉइस है पाई प्लस या पाई माइनस क्योंकि सब्शन इसका इलाज है फैक्टर इसके पास नहीं है रेशनेशन इसके पास नहीं है पावर रूल इसके पास नहीं फॉर्मूला ये नहीं लग रहा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑलवेज जीरो नहीं होता तो क्या करा दो पुट करा दो एक्स को कितना बोला पाई माइनस एच और पाई प्लस एच वो तो आपके ऊपर है जो मर्जी करा लो ट्रिग्नोमेट्री तैयार है कोई टेंशन तो है नहीं ट्रिग्नोमेट्री ना क्या तो टेंशन रहती है कर चुके हो तो फिर टेंथ की भी आती है तो भी काम चल जाता है का जहाँ जहाँ एक्स होगा उसको मैं क्या कर लूँगा लाइन राइट कर लेता हूँ हाईलाइट कर लेता हूँ एक्स वाले को ताकि वो एक्स वाले की जगह एक दो तीन जगह मैं पाई माइनस या प्लस जो भी आपकी च्वाइस है वहाँ पुट करा सकूँ तो क्या आ जाएगा पाई माइनस एच अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा पाई हे भगवान चलो पाई आ गया वन माइनस साइन ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा पाई माइनस एच बाय टू टू की तो खैर कोई लेना देना नहीं है अपॉन पाई माइनस एच आ जाएगा आपके पास का क्या आ गया कोस के तो पाई से पाई कट गया पाई से पाई कट गया लिमिट ऑफ माइनस एच अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस साइन पाई बाय टू माइनस एच बाय टू माइनस माइनस प्लस एच का होल स्क्वायर तो माइनस इधर ले जाओ साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आप देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आप 10th क्लास से देखो नहीं प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री पता है या की या याद नहीं है तो 10th क्लास का याद हो जल्दी 10th का तो याद ही रहता है 1 माइनस साइन का कितना होता है सोचो जरा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है सोच लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट आएगा क्यों बोला जीरो नाइन्टी नाइन्टी माइनस सीटा आल पॉजिटिव भूल गए हो आल पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा साइन कॉस में चेंज आ जाता है जो आपके पास अगला चलेगा वो क्या चलेगा लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा क्योंकि माइनस एच ओ या एच ओ एक ही बात है माइनस ले जाना है वो आपकी मर्जी है
मजे लेने, तो लो आप एच स्केयर आएगा आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ आएगा लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू क्या आएगा जीरो, वन माइनस कॉस का फॉर्मूला, टू साइन स्केयर ए बाय टू, वन माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है टू साइन स्केयर ए बाय टू, ए बाय टू का मतलब ये ए का काम करेगा, इसके नीचे टू लगाना तो बहुत एक हैवी काम हो जाएगा आपके लिए, कुछ हैवी नहीं, कोई हैवी है ही नहीं, तो क्या आएगा लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो, अभी तो मैं इतनी बार लिखवा देता हूं जिसको ए बाय टू एच बाय टू बाय टू बाय एच के, सोचो ए कितना है आपका एच बाय टू, पहले से ही एच बाय टू है, बाय टू लगा दो, तो मैं कहता हूं तो नीचे क्या लगा दो वन, तो पता ही होगा ए बाय बी सी बाय डी इक्वल टू ए बाय बी डी बाय सी लगा लो, तो ये आ गया आपका लिमिट ऑफ h approaches to 0, 2 sin square h by 2 into 1 by 2 h by 4 by s square, angle का square should be in denominator, angle का square should be in denominator, that means h by 2 का whole square होना चाहिए, s square by 4, तो लगा लीजिए h by 4 का होल स्क्वायर, जी भाई h by 4 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर by 16 चाहिए, सोचना क्यों, ये h by 4 तो पहले ही है, एंगल का स्क्वायर शुड बी नॉट h by 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर by 16, तो क्या चाहिए h स्क्वायर by 16, तो मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड by 16 से मल्टीप्लाई यही कर दूं, 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड, क्यों भला ये h by 4 था, नीचे सिर्फ h स्क्वायर था, तो 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये सारा क्या बन जाएगा आप सोचो, क्यों sin square h by 4, h by 4 मतलब एंगल का स्क्वायर शुड बी डिनोमिनेटर, h by 4 का होल स्क्वायर कितना होता है आप सोचो, h by 4 का होल स्क्वायर कितना होता है h square by 16, तो h square by 16 है बिल्कुल, ये h square पढ़ा था मैंने 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया 2 by 16, कितना आ गया 1 by, ओह यस आपके आंसर आ गया, कितना आ गया ये आपके पास आंसर आ गया, तो ये चीज आपको करनी है बस इसमें, और क्या करना है इसमें, समझ रहे हो, h by 2 था मैंने क्या लगाया पाई था, तो पाई माइनस h या पाई प्लस h, पाई माइनस h, पाई माइनस h, पाई माइनस h, माइनस h अप्रोचेस टू 0 sin पाई / 2 - sin 90 - थीटा कितना आएगा cos थीटा, तो sin 90 - थीटा कितना आ गया cos थीटा, 1 माइनस cos का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर a / 2 a इसमें है क्या h / 2 / 2 / 2 a / b c / d, तो h स्क्वायर / 4 हो गया, h / 4 का होल स्क्वायर कितना होता है h स्क्वायर / 16, h स्क्वायर तो पढ़ा था 16 से मल्टीप्लाई हुआ आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया बताओगे 2 / नहीं दिख रहा तो इस मार्कर से लिख देता हूं 2 / 16 1 / ओह यस ओके चलो चलिए बाय ओके टाटा।